नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टैली पीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं जी टीवी के दी मोस्ट पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी की। गाइस, भाग्य लक्ष्मी की कहानी ना एक ही ट्रैक पर चल रही है, वो है पारो की कस्टडी और नीलम लक्ष्मी की लड़ाई। अब इस लड़ाई का अंत कैसे होगा, जब कोर्ट से फैसला आएगा? तो लीजिए, वो घड़ी आ चुकी है जहां पर जज साहिबा ने फाइनली फैसला सुना दिया है ऋषि और लक्ष्मी की शादी का। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बिना डिवोर्स के ऋषि ने कर ली है दूसरी शादी, तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत नजर आ रहा है ऋषि कोर्ट की नजरों में। तो वहीं दूसरी तरफ नीलम ने जो दाव खेला था, वो दाव उस पर ही भारी पड़ गया है। अब यहाँ पर नीलम को एक बार फिर से लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना होगा और नीलम को ऋषि की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंकना होगा मलिष्का को। ऐसे में आ रहा है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीरियल की कहानी में आगे आप लोग यही देखेंगे कि अब पारो को भी मालूम पड़ चुका है कि ऋषि ही उसके रियल डैड हैं। ऐसे में अब पारो खुद ये चाहती है कि ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएं, और रोहन भी अब यही चाहता है। ऐसे में मलिष्का शांत रहने वालों में से नहीं है और मलिष्का और नीलम की भी इस बात को लेकर झड़प होने वाली है और मलिष्का के होश उड़ने वाले कि इन सब के बीच हमने ये सब तो सोचा ही नहीं और इसी बात का फायदा उठा लिया है इस लक्ष्मी ने। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रानो है ना, उसने लक्ष्मी को ये सारी गाइडेंस दी है कि उसे किस तरीके से अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी हक की लड़ाई लड़नी है। अब ऐसे में ये लड़ाई क्या जीत पाएगी लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी अपनी पारो के लिए ओबेरॉय मैंशन की बहू एक बार फिर से बनेगी, क्या एक बार फिर से लक्ष्मी और मलिष्का के बीच जंग छिड़ेगी ऋषि को लेके, रोहन को लेके और पारो को लेकर, क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा।